उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाइयों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर अपने ही एक चचेरे भाई की निर्मम हत्या कर दी। घटना कोतवाली तालवेहट क्षेत्र के म्याव गांव की बताई जा रही है, जहां आज सुबह 30 वर्षीय युवक राघवेंद्र चौहान को उसके चाचा और चचेरे भाइयों ने घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनका अपने ही भाइयों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिससे वह रंजिश रखते थे। आज राघवेंद्र को अकेले पाकर सुबह के समय सभी ने अपने घर के सामने घेर लिया और लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बारीकी से घटना स्थल का मुआयना कर जल्द से जल्द हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की हैं। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन सिंह चौहान है। कहाँ के निवासी हो? ग्राम मियाँ तहसील तालवेहट जिला ललितपुर के रहने वाली हूँ। क्या घटना हो गई? घटना सर बोलाई साइड से आ रहे थे हमारे भाई बड़े वाले, तो इनने चाचा लोग ने घर पे अपने मकान के सामने मतलब छेक के लाठी डंडा खंडा मतलब जान से मार दिया उनके लिए छेक के। सर वो कम से कम 10-15-12 लोग थे और जी अकेले थे। तो क्या भाई खत्म हो गए? हाँ भाई खत्म हो गया सर। शिकायती पत्र दिया आपने? हाँ अभी लिखा पढ़ी चल रही सर। अच्छा, मानने वाले कौन है? मानने वाले सशपाल सिंह, पंचम सिंह, मनोहर सिंह, राज बहादुर, कृष्णपाल सिंह और जलीब राजा और ब्रजेश राजा और जनकजू राजा, मुस्कान राजा। ये कौन लोग है जिनने मारा है? ये सर सब उसी परिवार मतलब घर वाले थे, मतलब उनकी पत्नी है ये पंचम सिंह। तो आपके परिवार में? हाँ हमारे चाचा है खास सगे। अच्छा। हाँ सर। सर कोतवाली तालवट के म्या गाँव में एक हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए ये तीनों अपने भाई लोग हैं, अपने सगे भाई हैं और भाइयों के बीच में जो है विवाद था, जमीन को बंटवारे को लेकर के इनका विवाद था। उसी में से जो है आज सुबह में राघवेंद्र जो है वो बाइक से जा रहे थे, तो बाइक से पहले जो है वो टकराहट जो है वो हुई थी राज बहादुर जो कि उनका भाई ही है, और उसी को लेकर के जो है पहले आपस में झगड़ा हुआ था और फिर परिवार के जो है अन्य सदस्य आ करके इसमें जो राघवेंद्र हैं उनके साथ मारपीट किए थे, जिसमें जो है उनको चोट लग गई थी और जब उनको अस्पताल ले गया गया तो वहाँ पे उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। इसमें परिवारजनों के तहरीर के आधार पे जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जो इसमें नामजद आरोपी हैं उसमें से भी कई आरोपियों को जो है हम लोगों ने हिरासत में लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है।